अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ग्राफिक स्टेशन। मैं हूं आप लोगों का ट्रेनर शहरी और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 8। वेलकम बैक गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेन टूल, साथ ही साथ ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, सो बिना टाइम तय करे बगैर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद हैं। इस वक्त मैंने सेलेक्ट की हुई है अपनी सिलेक्शन टूल। आज हम पढ़ेंगे पेन टूल। जैसे कि पेन टूल के ऊपर मैं कर्सर लेके आया, देखें पेन टूल के ऊपर इंडिकेट किया इसने और साथ ही साथ ब्रैकेट में हमारे आ रहा है पी। जैसे ही मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ पी, देखें जैसे मैंने नीचे पी प्रेस किया, नीचे हमारे पी इंडिकेट हुआ और हमारी पेन टूल सेलेक्ट हो गई। ओके भाई, अब हम पेन टूल को यूज़ करते हैं और किस तरीके से ये वर्किंग करती है ये सब देखते हैं डिटेल में। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पूरी मेरे साथ एक लाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी इंडिकेट कर रही होगी। अब मैं अपना कर्सर कहीं भी लेके जा रहा हूँ, ये लाइन मुझे शो हो रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो लाइन मेरे पास शो हो रही है ये हमारे जो अब इलस्ट्रेटर के नए वर्जन आए 2018 के बाद उसके अंदर ये हमारी शो हो रही है। अब लास्ट मुझे ये नहीं पता है ये कौन से वर्जन तक शो हुई है। हाँ, ये मुझे पता है कि 18 और 19 में ये 18 के बाद जितने वर्जन आए उन सब के अंदर ये कि इस तरीके से लाइन शो होती है। इस वक्त हम इलस्ट्रेटर 2019 यूज़ कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर CC 2019 जो कि इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं। और देखिए जैसे ही मैं अब मैंने ये पहला क्लिक किया ये लाइन हम इस तरीके से शो कर रही है। अब अगर मैं कहीं भी दूसरा क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने यहाँ क्लिक किया, इसने यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। एक एंकर पॉइंट हमारा ये था जो कि हमने स्टार्ट में क्लिक किया था और एक एंकर पॉइंट ये है हमारा। अब अगर मैं एक और यहाँ पे ऐसे कर्सर लेके आऊँ और एक और क्लिक यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट हमारा ऐड हो गया। देखें जहाँ जहाँ मैं एंकर पॉइंट को ऐड करता जा रहा हूँ वहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एंकर पॉइंट है। देखें अगर मैं पाथ के ऊपर यहाँ पे लेके आता हूँ, ये देखें ये शो कर रहा है यहाँ पे लिखा हुआ हुआ पाथ। अगर मैं यहाँ लाता हूँ ये एंकर और ये भी एंकर और ये एक और एंकर, तीन हमारे एंकर पॉइंट इस वक्त ऐड हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट ऐड करना चाहूँ इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐड करना चाह रहा हूँ, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट, यहाँ पे मैंने ऐड किया ये एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अच्छा, शेप को कंप्लीट करने के लिए हमें अपनी पाथ को क्लोज़ करना पड़ता है। अगर मैं अपनी पाथ को क्लोज़ ना करूं और इस तरीके से छोड़ दूं तो ये हमारा एक नॉन प्रोफेशनल वर्क होगा। प्रोफेशनल के अंदर कभी भी आपको ओपन पाथ नहीं मिलेगी किसी भी काम के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर अगर जैसे क्लिक करता हूँ, देखिए अब अगर मैं यहाँ पर इस एंकर पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ हमारी पाथ क्लोज़ हो रही है, तो हमारे पेन टूल का जो आइकॉन है उसके बिल्कुल नीचे आपको एक राउंड सा एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा। अगर देखें मैं इसके ऊपर से हटाता हूँ ये हमारा आइकॉन गायब हो जाएगा। ये मैंने हटाया, देखा आइकॉन गायब हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ वापस, देखें हमारा ये एक राउंड सा एक आइकॉन नज़र आ रहा है। इस आइकॉन का मतलब ये है कि हमारी यहाँ पे पाथ क्लोज़ हो रही है, ये हमें इलस्ट्रेटर इंडिकेट कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारी पाथ क्लोज़ हो गई। देखिए हमने एक पेन टूल के ज़रिए एक रेक्टेंगल शेप बना ली। अब मैं फिर से पेन टूल लेता हूँ, मैंने यहाँ से पी दबाया, पेन टूल ली, यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया। अच्छा, एक क्लिक मैं अगर यहाँ कर देता हूँ, ये अभी हमारी शेप क्लोज है, क्लोज नहीं है। अब देखिए मैं ये कहीं भी अगर मैं अपना कर्सर या माउस को लेके जा रहा हूँ, एक लाइन हमारी साथ साथ मूव हो रही है। अब ये लाइन हमारी जब तक पीछे नहीं छोड़ेगी जब तक मैं अपने कीबोर्ड से स्केप प्रेस ना कर दूँ। जैसे मैं स्केप प्रेस करता हूँ इसने ये यहाँ पे लाइन छोड़ दी, लेकिन अभी ये हमारी पाथ क्लोज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ, ये देखें अब इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये हमारी पाथ क्लोज है और ये हमारी पाथ ओपन है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर ऐसे इस तरीके से कलर फिल करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रेड फिल करा, सॉरी ये रेड लिया, रेड ओके, ये हमारा रेड फिल हो गया। अब मैं अगर इसकी स्ट्रोक का वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ और इसकी भी स्ट्रोक का वेट मैं बढ़ाता हूँ 5। देखें अब अगर मैं यहाँ पे भी इस तरीके से कलर फिल करता हूँ, ये कलर फिल हो गया। अब देखें यहाँ से हमारी ये पाथ क्लोज नहीं है, तो ये इस वजह से यहाँ पे हमारी स्ट्रोक शो नहीं हो रही। इसको हम जूम करके देखते हैं, ये देखें इस तरीके से ये एक एरर है। अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा चीप लगेगा आपके क्लाइंट को, तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करिएगा। तो मेरी सजेशन तो यही है।
बाकी इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं फिर से पेन टूल लेता हूँ, मैंने पेन टूल ली, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब मुझे पेन टूल से एक लाइन बनानी है बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसका बहुत सा आसान सा तरीका, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो ये मेरी लाइन स्ट्रेट बनेगी बिल्कुल। हालाँकि मैं अपना माउस का कर्सर नीचे भी ले जाऊँ, देखिए मैं अपनी माउस को यहाँ पर लेके आ गया, लेकिन लाइन हमारी फिर भी स्ट्रेट है। अच्छा, अगर मैं ज़्यादा इसको नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये हमारी डायगनल लाइन बन रही है बिल्कुल, एक डिग्री के हिसाब से यह डायगनल लाइन होती है। अब अगर मैं ये स्ट्रेट रखनी है, मैं यहाँ पे देखें कर्सर अपना थोड़ा सा इससे दूर भी लेके चल रहा हूँ, तो ये मेरी लाइन स्ट्रेट ही है। अब मैंने यहाँ पे लाके इसको क्लिक किया ऐसे, और फिर मैं ये लाया एक ऐसे, और ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट जैसे मैं कर रहा हूँ, ऊपर से ही मेरे पास एक पिंक कलर की लाइन शो हो रही है कि लाइन यहाँ पे आपके उस एंकर पॉइंट से लेवल है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, देखें ये मेरा बिल्कुल रेक्टेंगल बिल्कुल हमारे शेप में बन गया, एक मेरी शेप ये बन गई पेन टूल के ज़रिए। अच्छा, मैं यहाँ से फिल अभी अपना फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ, और स्ट्रोक का वेट मैं अपना वही कर लेता हूँ 1। ओके, मैं वापस अगेन पेन टूल लूँगा, पी प्रेस करूँगा। अच्छा, अब मैं एक और क्लिक करता हूँ यहाँ से, और एक क्लिक यहाँ करते हैं हम, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ। देखें ये एक और शेप मैंने अपनी बेसिक शेप्स जो होती हैं हमारी, वो एक मैंने यहाँ पे बना ली, इसको ही मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल साइड पर रखता हूँ। ओके, अब हम बनाते हैं एक सर्कल पेन टूल के ज़रिए। अच्छा, सर्कल कैसे बनेगा, पेन टूल लेते हैं हम। अच्छा, मैंने यहाँ एक क्लिक किया और उसको मैंने इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच किया। अच्छा, अब दो ये हैंडल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हैंडल क्या करते हैं, हैंडल हमारे ये करते हैं, अगर मैं माउस नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हमारा एक कर्व बनेगा नीचे की तरफ। अब अगर मैं यहाँ पे एक और कहते हैं कर्स अपना क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस तरीके से अपना ये हैंडल खींचता हूँ इस तरीके से, देखें अब ये हमारा कर्व बनेगा इस तरफ। क्यों, क्योंकि मैंने माउस अपने राइट साइड पे ड्रैग किया था, जिस साइड आप ड्रैग कर रहे हैं। अब देखें, अब ये मेरी जैसे ही कहते हैं मुझे इसके लेवल से मुझे एक और एंकर पॉइंट मुझे यहाँ पे ऐड करना है, फिर इसको मैं ड्रैग करूँगा ऊपर की तरफ ताकि मेरा कर्व ऊपर की तरफ आए। ये देखें मैंने इस तरीके से लिया, ये हमारा एक राउंड शेप बनना शुरू हो गई है। ये यहाँ ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, देखें अब मेरा कर्व ये ऊपर की तरफ दे रहा है। अब मैंने यहाँ से इसके अलाइन किया, यहाँ पर बिल्कुल सीधा लेके आया मैं यहाँ पर, मैंने एक यहाँ पे इस तरीके से ये सर्कल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखें पूरा सर्कल अभी क्यों नहीं बन रहा, उसकी एक वजह है क्योंकि हमने कोई गाइडलाइन नहीं लगाई, हम बगैर गाइड के एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अल्ट्रा जी करते हैं, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ऐसे, और एक क्लिक अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये तकरीबन सर्कल की शेप बन गई है। ओके, अब हम इसको रखते हैं फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पर, थोड़ी सी चीज़ें और डिटेल में देखते हैं और फिर हम कुछ ट्रेस करेंगे ताकि आपकी आपको पेन टूल ज़्यादा डीप में समझ आ सके। मैं फिर से पेन टूल लेता हूँ, एक मैंने क्लिक यहाँ किया और एक मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर्व ले लिया ऐसे। अच्छा, अब देखें मैंने हैंडल ऊपर ही छोड़ दिया है, और ये अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से पूरा कर्व हमें बना के दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से इस तरीके से ऐसे लेके आया, मैंने इसकी सीध में बिल्कुल लेवल करके एक यहाँ से कर्व बना लिया, और अब मुझे इसकी लाइन से जान छुड़ानी है तो मैं यहाँ से स्किप प्रेस करूँगा और ये लाइन हमारी छूट जाएगी। अब अगर मैं इसको रिसाइज करके थोड़ी देर के लिए ऊपर रख देता हूँ, ये मैंने इसको फिलहाल यहाँ रख दिया। अच्छा, फिर से मैं पेन टूल लेता हूँ, ये मैंने एक और कर्व वही लिया जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये मुझे कोई कर्व नहीं चाहिए, या ये कर्व नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं किस तरीके से लूँगा। अब देखिए यहाँ तो कर्व शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, एक हमारा जो नीचे हैंडल आ रहा था वो गायब हो गया, और अब अगर मैं यहाँ पर आगे क्लिक करता हूँ और तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन चाहिए कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से ली एक स्ट्रेट लाइन, मैंने यहाँ पे ऐसे ली, अब मैंने इसकी सीध में लिया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कर्व आ जाए, तो मैं ऐसे इसको माउस को पकड़ूँगा इसी तरीके से, ऐसे ड्रैग करूँगा, इतना कर्व काफ़ी है। अच्छा, अब मुझे फिर से ये लाइन कहते हैं स्ट्रेट चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सिंपल, और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये हमारी पाथ हो गई
क्लोज, ये हमारी एक शेप बन गई। इसको मैं रिसाइज करूँगा, छोटा करूँगा थोड़ा सा, और इसको फ़िलहाल मैं रखता हूँ यहाँ। ओके मैं अगेन पेन टूल लूँगा, मैंने अगेन वही वाला कर्व फिर से शेप दिया इस तरीके से। अच्छा अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये हैंडल मैं वहाँ पे क्लिक करके बंद ना करूँ, तो एक तरीका हमारा ये भी है। अब मैं यहाँ पे मैंने अपना कर्व सेट किया पूरा, और यहाँ पे लाके मैंने अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस कर दिया। जैसे मैं आल्ट प्रेस करता हूँ तो ये हमारा जो हैंडल है हम इसको यहाँ पे अपने एंकर पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे। जैसे हम छोड़ेंगे तो ये हमारा हैंडल बंद हो जाएगा। अच्छा अब हमारा ये हैंडल जो बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि अब हम कहीं भी अपनी लाइन को ले जा सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आपके सामने शो हो रही है, मैंने स्किप करा उसको डिलीट। अच्छा इसको ही मैं उठा के अभी थोड़ी देर यहाँ रखता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कर्व दिया इस तरीके से। अब आप चाह रहे हो कि आगे एक और कर्व इसी तरीके से इसके आगे बिल्कुल साथ साथ आए, ना स्ट्रेट लाइन आए ना कर्व नीचे आए, कर्व इसका ऊपर आए, तो उसका भी आसान तरीका ये है। अब मैं आल्ट प्रेस करूँगा और इस हैंडल को, अब जो आपका दूसरा हैंडल है उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर लेवल कर दूँगा। जैसे मैं लेवल करूँगा हमारा जो पेन टूल का कर्व है, जैसे पहले नीचे शो हो रहा था, अब ये देखें हमारे ये ऊपर शो हो रहा है बिल्कुल। ये मैंने इस तरीके से यहाँ लाके क्लिक कर दिया। मैंने इसके प्रेस किया, ये हमारी लाइन टूल यहाँ से वर्क करना छूट गया। अच्छा ये सब कर्व को मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ बार बार कि कर्व यहाँ पे हैंडल को मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये इस तरीके से हो रहा है, या मैं हैंडल को बिल्कुल यहाँ पे जीरो पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ एंकर पॉइंट के तो ये इस तरीके से हैंडल हो रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप कोई फ्लो में वर्किंग कर रहे हैं, देखें हमारा ये तरीका भी आसान है, लेकिन जब आप फ्लो में कोई भी आप रीड्राइंग कर रहे होते हैं तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपने यहाँ पे लाके अपना कर्व छोड़ा इस तरीके से, और यहाँ लाके एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, ये हैंडल बंद किया और अपने दूसरा कर्व को यहाँ से शेप दे दी। अगेन आपने यहाँ पे शेप देनी है, आपने फिर कर्व बंद किया, यहाँ से अपनी अगेन शेप दे दी। लेकिन ये हैंडल का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, ये भी एक तरीका है पेन टूल को यूज़ करने का। अच्छा हमारी ये तमें तंग कर रही हो तो हम इसको यहाँ पे थोड़ी देर साइड पे रख लेते हैं। हमारे जो एंटी गेट का है ये बार बार हमारे आर्ट बोर्ड पर आ रहा है तो हमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो इसको मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा पेन टूल का जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हैंडल वाला, अगर हैंडल वाले तरीका, अगर मैं इस हैंडल को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ और यहाँ पर कर्व दे रहा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ला रहा है, या एक्स वाई जेड आपको जो भी काम है इसका भी हम कुछ भी अभी ट्रेसिंग वगैरह करेंगे, तो आपको इस हैंडल को बंद करने या हैंडल को ऊपर ले जाने या हैंडल को नीचे छोड़ने का जो भी तरीका है या जो वजह है वो आपको सब समझ में आ जाएगी। इसको हम स्किप करते हैं, यहाँ से री करते हैं, इन सब कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके अब हम कुछ ट्रेसिंग करते हैं साथ साथ, ताकि आपको कुछ इसके बारे में समझ में आए। अच्छा यहाँ से मुझे अपनी एक तस्वीर इंपोर्ट करनी है, तो इसका शॉर्टकट है प्लेस में हम जाएंगे, या तो हम यहाँ पे लगे क्लिक कर दें इस तरीके से आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, या साथ ही साथ आपके फाइल के आगे आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट नज़र आ रहा होगा, शिफ्ट ऑल्टर कंट्रोल प्लस पी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमारी विंडो ओपन होती है। ये जो हमने एक ईगल का करना है आइकॉन बना हुआ है, इसको हम आज ट्रेस करेंगे। वैसे तो ये मैंने ही ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे हम लाके इसको ट्रेस करेंगे तो हमें पेन टूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मालूम आ जाएगी और हमारे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, देखें क्रॉस का निशान आ रहा है, तो मैं यहाँ से एम्बेड जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये हमारा क्रॉस का निशान गायब हो जाएगा। ओके अच्छा अब मुझे अगर इसको ट्रेस करना है, जो भी आपको कोई भी आपको कहते हैं अपना आइकॉन या आपकी कोई पिक्चर या कुछ भी आपको ड्राइंग करनी है उसकी ट्रेसिंग करनी है, तो उसका सबसे पहला रूल ये है हमारा, हम उस तस्वीर की ओपेसिटी कर लेंगे अपने पास से बिल्कुल लाइट, कि बिल्कुल हमें बस माइनर सी शो हो कि हाँ पीछे कोई ड्राइंग है, हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। तो मैं इसकी ओपेसिटी कर लेता हूँ 4, बहुत है, सही है, मैंने इसकी ओपेसिटी लाइट करी। अच्छा साथ ही साथ अब जो है, अब अगर मैं इसके ऊपर पेन टूल यूज़ करूँगा और फॉर एग्जांपल गलती से मैंने इस तरीके से मैंने पेन टूल यहाँ से रीड्राइंग इसकी शुरू करी ऐसे, और ऐसे ऐसे मैं इसकी रीड्राइंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल याली शेप मैंने कंप्लीट करी इस तरीके से, तो अब मैं दूसरी शेप बनाने ही जा रहा था तो गलती से मेरे से ये टूल, ये नीचे वाली ड्राइंग जो है हमारी हिल गई, तो इससे क्या हुआ, उससे ये हुआ जो मैंने अपनी पहले वाली शेप बनाई थी, फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी ज़रा इसका स्ट्रोक ऑफ हो गया था, स्ट्रोक मैं इसका ऑन कर लेता हूँ, इसको रेड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हिल गई, तो हमारी ये रीड्राइंग में हमें इशू आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ,
जो भी चीज़ हमें ड्राइंग उसकी रीड्राइंग करनी है उसको हम अब पहले यहाँ पे अपने पेज पे लॉक कर लेते हैं। अच्छा, लॉक करने का हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं, तो मैं आपको सब बता देता हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं। एक तो तरीका ये, आपने इस ड्राइंग को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ से लॉक में आए, देखें यहाँ पे लॉक सिलेक्शन, जैसे ही मैं लॉक सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ ये हो जाएगी लॉक, अब ये मूव कहीं भी नहीं होगी। एक तरीका तो हो गया हमारा, एक ये इसको मैं अंडू करूँगा, देखें अभी अनलॉक हो गई वापस। दूसरा तरीका ये है, लॉक में आए वापस, देखें सिलेक्शन, जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ अपना 2 प्रेस करते हैं, देखें मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस 2, जैसे मैंने कंट्रोल 2 प्लस प्रेस किया तो ये हमारा सॉरी इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, इस वजह से लॉक नहीं हुआ था, ये लॉक इसको किया और ये लॉक हो गया, देखें ये पूरा लॉक हो गया। एक तरीके, दो तरीके हमारे ये हो गए। अच्छा, इसका अनलॉक का तरीका ये है, ये देखें Alter Control प्लस 2, या तो आप यहाँ से ला के इसको अनलॉक कर दीजिए या तो कीबोर्ड से अपने Alter Control प्लस 2 प्रेस करें, देखें ये हो गया अनलॉक। अच्छा, हमारा थर्ड जो मेथड है वो ये है, लेयर्स के जो पैनल में आप जाएंगे, लेयर का पैनल आप जैसे ही खोलते हैं, देखें लेयर का पैनल अगर आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ ऊपर विंडोज़ में जाएँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा लेयर, देखें लेयर ये अभी मैंने चेक लगाया हुआ तो ये मेरे यहाँ पे शो हो रहा है, वरना इसका एक और तो है शॉर्ट की है, आगे आपको नज़र आ रहा होगा F7, कीबोर्ड से आप F7 प्रेस करेंगे तो आपका लेयर का पैनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से इस तरीके से लेयर को ओपन किया। अच्छा, जैसे आपको एक लेयर के पैनल के आगे एक आई नज़र आ रही होगी, इस आइस को अगर मैं क्लोज़ करता हूँ, देखें ये पूरी बंद हो गया और ये सब वाइट हो गया, इसको मैंने वापसी ओपन किया। इसके बिल्कुल आगे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, देखें टॉगल्स लॉक का, अब मैं अगर यहाँ पर लॉक लगा देता हूँ, ये मैंने लॉक लगा दिया, जैसे मैंने इसको लॉक करता हूँ ये तो ये हमारा लॉक हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी वर्किंग नहीं कर सकते, देखें यहाँ पे एक आप आइकॉन भी नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर एक क्रॉस सा साइन नज़र आ रहा है। तो मेरी सजेशन सबसे ज़्यादा आपको यही है कि आप इस लेयर पैनल को यूज़ करें और यहीं से आप लॉक करें और यहीं से अनलॉक करें। इसकी वजह ये है, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, अगर उसके अंदर कोई आइटम या कुछ आप लॉक कर देते हैं ऑब्जेक्ट में जाके, और तो आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या चीज़ लॉक करी है और क्या नहीं। लेयर पैनल में आपको कहते हैं, जैसे आप यहाँ से लॉक करते हैं तो आपके यहाँ पे लॉक का आइकॉन नज़र आ जाएगा, और साथ ही साथ जिस चीज़ को आप लॉक कर रहे हैं उस लेयर के ऊपर आप आगे वर्किंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप लेंगे एक न्यू लेयर, ये देखें क्रिएट अ न्यू लेयर, इसको मैं न्यू लेयर पर क्लिक करता हूँ, अब हमने एक न्यू लेयर ले लिया। लेयर पैनल को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम पेन टूल को देख रहे हैं, तो अभी जितनी इसकी हमें नीड थी मैंने उतना आपको उसको समझा दिया। अच्छा ओके, मैंने अब ले लिए पेन टूल, यहाँ से मैं लेता हूँ पेन टूल प्रेस पी। ओके, सबसे पहले हम इसकी जो ये चोच है इसको हम ड्रॉ करते हैं, कलर को भी हम बिल्कुल स्किप कर देते हैं, या जो आपको कहते हैं साइडों में जो स्ट्रोक नज़र आ रही है, जो इसकी लेंथ बनी हुई है सारी, इसके वेट को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अभी इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से जूम करेंगे ऐसे, और अब मैं लूँगा पेन टूल, मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसकी चोच पर। अच्छा, अब जितना आप करीब करीब अपने कर्व बनाएंगे उतनी आपको इसको हैंडल करने में आसानी होगी। अब तो थोड़ा मैं स्पीड में फ्लो में काम करूँगा, तो आप थोड़ा देखते रहें, आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, अच्छा पेन टूल मैं आपको थोड़े थोड़े इसके बारे में बताता रहूँ ताकि आप बोर भी नहीं हो और हम इसको जल्दी से कंप्लीट भी कर लें। अच्छा, पेन टूल लोग काफ़ी लोग ये समझते हैं कि पेन टूल को यूज़ करना बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस इतना चाहिए। जब हम यूज़ करते थे शुरू में तो हमें भी बहुत मुश्किल आती थी कि भाई ये किस तरीके से होगा, देखिए अभी मैं इसको कितने आराम से इजी तरीके से इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, बस ये है कि आपको ये चेक करना है कि आपको कहाँ क्लिक करना है, किस तरीके से क्लिक करना है, कहाँ अपने आपको हैंडल को बंद करना है, कहाँ अपने हैंडल को कितना ड्रैग करना है कि आपका शेप आ जाए। अच्छा देखें, अब मैं यहाँ पे अगर गलत क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कोई इतना कोई टेंशन नहीं ले रहा उसको, बस मैं अंडू कर रहा हूँ और वापस वहाँ से फिर से वो हमारी पेन टूल हमारी रिज्यूम हो जाती है। देखें मैं इस तरीके से इसको, अच्छा हम अपने कीबोर्ड से भी कहते हैं, जो आपको मैं अपने आर्टबोर्ड को पेन करने का तरीका मैंने आपको बताया था वो सब यहाँ पर वर्किंग करेगा। देखें मैं अपने हाथ के हाथ जहाँ जहाँ मुझे नीड आती है वहाँ पे मैं अपना इसको मूव कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसके जो स्ट्रोक कलर है इसको मैं रेड कर लेता हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए, कि मुझे पता चलता रहे कि क्या मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ।
ओके अब मैं एक बार फिर से अगेन पेन लेता हूँ पेन टूल और यहाँ पे इस तरीके से इसकी चोंच की जो हूँ मैं इसको लेता हूँ, स्किप करता हूँ, बंद करता हूँ, अगेन पेन टूल लेता हूँ। ठीक है, कितनी आसानी से हम एक रीड्राइंग करते चले जा रहे हैं। और ये देखें मैंने पेन टूल यहाँ छोड़ी, इसको थोड़ा सा जूम आउट किया। अब मैं इसके पहले सारे छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो मैं इनसाइड के जो हैं आउटसाइड के जो हैं वो मैं बनाता जा रहा हूँ, फिर हम जो बाकी एंड में जो हमारा आउटसाइड की बड़ी सी जो आउटलाइन आपको नज़र आ रही है कि वो आप कुछ लोगों को लग रही होगी कि मोटी है, हम इसको कैसे करेंगे, तो घबराना नहीं, अभी मैं आपको सब बता दूंगा किस तरीके से मोटी होगी। बस आपको जस्ट इस तरीके से इसके पेन टूल के एजिस पे अपनी पेन टूल फेर लेनी है इस तरीके से। ये देखें ये हमारे तकरीबन इतनी ड्राइंग हो चुकी है। मैं आयत बना लेता हूँ इसकी, पी दबाते हैं। देखिए पेन टूल काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस आपकी प्रैक्टिस की आपको इसके अंदर ज़रूरत होती है। आप जितनी ज़्यादा इसके बाद प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी पेन टूल फेयर होती चली जाएगी। और पेन टूल के लिए मैं आपको एक आज टिप भी दूंगा, एक छोटा सा गेम टाइप की चीज़ है वो, और वो आप गेम भी खेलते रहेंगे और आपकी पेन टूल भी फेयर होती चली जाएगी। और मैं उस गेम का जो लिंक होगा हमारा वो मेरी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस गेम का लिंक आपको अपडेट कर दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपको लग रहा होगा मैं बड़ी रफ सी कहते हैं रीड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जब हम नीचे से हम अपने इसकी स्टोक का थोड़ा सा वेट कम करेंगे या कहीं बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से इसको ड्राइंग करने की क्या ज़रूरत थी। ओके अभी हमने अपनी आइस और चोंच और अंदर के जो हमारी चीज़ें थी तो ये मिस्टेक हो गई है हमसे शायद। अच्छा हुआ देखें अब ये हो गया। अब मैं आपको इसका भी एक और तरीका बता देता हूँ इसको जैसे हम अलग किस तरीके से करेंगे। देखें अब मैंने ये पेन टूल यहाँ से सिलेक्ट की। ओके अब यहाँ से मुझे अपने एंकर पॉइंट जो है माइनस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ पेन टूल का तो यहाँ पे आपको एक माइनस का निशान नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं माइनस करता हूँ देखें यहाँ से ये हमारी जो लाइन है ये यहाँ से हमारा जो एंकर पॉइंट है ये माइनस हो गया। अब मुझे ये बीच में देखें हमने ये लाइन एक्स्ट्रा लगा दी है तो हमें ये लाइन करनी है ख़त्म। या तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दो एंकर पॉइंट पकड़ूँ इस तरीके से और डिलीट कर दूँ तो हमारी थोड़ी सी शेप होगी ख़राब। या तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इसकी मैं एक और कॉपी बनाता हूँ साथ में और मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा सॉरी तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रखता हूँ और ए से सिलेक्शन से मैं सारे एंकर पॉइंट पकड़ता हूँ नीचे का और इसको कर देता हूँ डिलीट। लेकिन जैसे ही मैंने एंकर पॉइंट सारे डिलीट करे तो ये हमारे यहाँ तक के जो एंकर पॉइंट थे ये रह गए बाकी और ये सब हो गया डिलीट। ओके अब मैं फिर से यहाँ से एंकर पॉइंट लेता हूँ सारे और यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट। ये जैसे ही मैंने डिलीट किए ये हमारे बन गए सारे एंकर पॉइंट यहाँ आ गए। ओके थोड़ा सा ये आउट हो गया लेकिन देखें अब मेरे ये आउट ज़रूर हो गया लेकिन मैंने नीचे अपनी ड्राइंग को लॉक किया हुआ है तो ये तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ इसको सेट करने में। देखिए मैंने एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपने पकड़ के और इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको। अब जैसे मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ मुझे इसके हैंडल की थोड़ी ज़रूरत पड़ गई तो ये देखें इसको मैं मॉडिफाई यहाँ से इस तरीके से कर रहा हूँ। ये हमारा इस तरीके से मॉडिफाई हो गया। अच्छा हो गया हमारा ये बीच में इस तरीके से एक मिस्टेक सी हो गई थी मुझसे
तो ये मिस्टेक हमारे काम आ गई। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा। अच्छा, अब हम करेंगे रीड्राइंग यहाँ की अपनी। मैं यहाँ से इसके अंदर से यहाँ से रीड्राइंग कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये इसके बैक साइड के ऊपर हमारे ये जा रही है। अब मैंने आपको वो वाली बात बताई थी कि अगर मैं शेप को क्लोज ना करूँ तो वो नॉन प्रोफेशनल में जाता है। अब मैंने इसको अंदर से जो इसको कहते हैं रीड्राइंग शुरू कर रहा हूँ, उसकी एक वजह हमारी ये है कि मुझे शेप अपनी क्लोज करनी है। अब देखें, मैं पूरा इस तरीके से एक मैंने कर्व यहाँ लिया और पूरा एक ही साथ कर्व ले लिया। लेकिन आप, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप छोटे छोटे कर्व के अंदर डिज़ाइन करें। थोड़ा सा जब आपका हाथ थोड़ा फेयर हो जाए तो आप अपने बड़े बड़े कर्व एक ही स्टेप में कंप्लीट कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी रीड्राइंग में आपको आसानी होगी और आपकी रीड्राइंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इस बात से आप बिल्कुल नहीं घबराएं कि पीछे तो इतना हैवी वेट का कहते हैं अपना स्ट्रोक लगा हुआ है और हम तो इतनी पतली स्ट्रोक पे काम कर रहे हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। या उसके कहते हैं कॉर्नर राउंड आ रहे हैं या ये क्या किस वजह से हमें ये आ रही हैं चीज़ें, इससे कोई आपको कोई टेंशन नहीं है। अभी हम जब इसको कम्प्लीट कर लें फिर इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा तो आपको खुद ब खुद ये समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से हम इसको रीड्रॉ करते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कर्व नहीं है। मैं जस्ट इसके कॉर्नर्स पे क्लिक करता जा रहा हूँ और अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करता जा रहा हूँ। मैंने आपको शायद स्टार्ट में ये बात बोली थी कि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और वो मुझे लग रहा है कि आज की क्लास लंबी हो गई है। लेकिन ये ज़रूरी है, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि पेन टूल जो है आपके काफ़ी ज़्यादा काम आती है आपको कोई भी नई शेप बनाने में या कुछ न्यू मेक कुछ भी ऐसा क्रिएशन करने में। देख रहे हैं ये जो शेप इस वक्त मैं रीड्राइंग कर रहा हूँ ये मैंने खुद बनाई थी। तो इस तरह की आप जब कोई शेप वगैरह या लोगो या कुछ आप बना रहे होते हैं तो आपकी पेन टूल आपके बहुत काम आती है। अच्छा देखिए, मैंने इस वक्त इसको जो यहाँ से अंदर से शुरू किया था इसकी वजह मेरी यही थी सिर्फ कि मुझे अपनी पाथ को क्लोज करना था। अब मैं इसकी अपनी पाथ को इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। ये हमारी पाथ हो गई क्लोज, ओके। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और अपनी सारी जो हमारी चीज़ें हमने रीड्राइंग करी है इसको मैं ऐसे मैं सिलेक्शन टूल ली और इन सबको उठा के मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लेके आ गया अपने आर्टबोर्ड से बाहर, ओके। थोड़ा सा हमारा आर्टबोर्ड इस तरीके से कर लेते ज़्यादा अच्छा ऐसे। अच्छा, अब हम इसके थोड़े से कलर वगैरह फिल करते हैं तो हमें थोड़ी सी इसकी डिटेल में हमें सब कुछ नज़र आएगा। मैं इसका कलर यहाँ पे करता हूँ अंदर से हमारा वाइट, ये हो गया वाइट, और स्ट्रोक हमारी हो जाएगी यहाँ पे ब्लैक। जस्ट सिंपल ये हो गई ब्लैक। अच्छा, अब आपको ये नज़र, ये एक मिनट मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हमें आपको दिख रहा होगा आपकी स्ट्रोक यहाँ पे कितनी हैवी है और यहाँ पे तो ये कुछ भी नहीं है। मैं नीचे एक वाइट बॉक्स लगा लेता हूँ, नहीं मैं एक मिनट सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ से लेयर को अनलॉक करता हूँ, वापस लेयर पैनल बंद करता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ रखता हूँ बराबर में, और इसकी ओपेसिटी हम वापस अपनी 100 कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए, क्योंकि वो आर्टबोर्ड हमारा थोड़ा सा बाहर चले गया है तो शायद स्क्रीन हमारी छोटी हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करूँगा और इसको मैं यहाँ लेके ऐसे आ जाऊँगा आर्टबोर्ड में, थोड़ा सा ऐसे रखूँगा, ओके। अच्छा, हमने इसका कलर कर लिया फिर, स्ट्रोक हमारी ब्लैक है। स्ट्रोक का हम यहाँ पे बढ़ाएंगे अपना वेट। जैसे ही मैं स्ट्रोक का वेट यहाँ पे 10 करता हूँ, देखें अब ये हमारी सिमिलर हो गई है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको लग रही होगी, यहाँ पे देखें हमारे यहाँ पे नोक्स आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन हमारी इस ड्राइंग के अंदर राउंड राउंड से शेप है। इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है, आप यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इसके कॉर्नर के आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप करें कॉर्नर पे राउंड पे क्लिक। जैसे मैं राउंड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे जो कॉर्नर हैं सब राउंड हो गए। अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो ऐसे इस तरीके से चैम्फर हो जाएंगे। यहाँ से मैं इसको अभी फ़िलहाल राउंड ही रखता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारी जो हमने ओरिजिनल इमेज है उसके अंदर भी राउंड है।
अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमारी हिडन हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये शेप है ये सबसे ऊपर है। इसको मैं अंडू करता हूँ और इसको मैं बिल्कुल इसके बैक करता हूँ। मैं जैसे यहाँ से देखें, मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में, अपनी शुरू की क्लास में या किसी एक क्लास में ये सब कुछ इसकी डिटेल में मैंने आपको बताया है ये किस तरीके से बैक पे जाएगा। तो इसकी शॉर्ट की है इस वक्त, और कंट्रोल शिफ्ट और हमारा ओपन ब्रैकेट, जैसे मैं इसमें प्रेस करता हूँ ये हमारे बैक पे मूव हो गया। अब मैं इन दोनों की स्ट्रोक का कलर करता हूँ। देखिए, मैंने दोनों को एक साथ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और इसका स्ट्रोक का कलर किया ब्लैक। ओके, अब मैं इसका वेट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। वेट मैं कर लेता हूँ 4, ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, 2 बहुत है, और मुझे बाहर वाली भी बहुत ज़्यादा लग रही है। इसको मैं कर लेता हूँ तकरीबन 6, हाँ 6 भी मुझे इस वक्त ज़्यादा लग रही है, 5 बहुत है मेरे हिसाब से, ये इतनी काफ़ी है, थोड़ी ब्यूटी भी आनी चाहिए। ओके, अब अगर मैं आई के ऊपर आता हूँ, इसको हमें कलर करना पड़ेगा फिल। इसको मैं ब्लैक करता हूँ पहले पूरा इससे। अब मैं यहाँ से कलर को स्वैप कर देता हूँ। जैसे मैं स्वैप करता हूँ हमारी पूरी आई जो है वो ब्लैक हो गई। अच्छा, अंदर जो हमारे ग्राउंड है उसका कलर भी ब्लैक है, तो मैं इसको साथ साथ इसको भी ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ से ब्लैक फिल करते हैं यहाँ से, और ओके करते हैं, और यहाँ पर भी स्वैप कर देते हैं। अच्छा, अब जो हमारा ये एक राउंड है इसका कलर है येलो, मतलब गोल्डन कुछ टाइप का ना कलर, तो हम यहाँ से इस कलर को ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये सही है 3500, और ये कर देते हैं हम ओके, और इसको करते हैं सॉरी। देखें, ये हो गया हमारा कलर। अच्छा, ये वाली जो स्टोक है, जो हमारी ये वाली स्टोक है, इसका कलर भी रेड है, इसको भी हम ब्लैक करते हैं। ब्लैक किया, ये थोड़ी सी कुछ ज़्यादा है वेट इसका, तो इसको 6 कर लेते हैं, 6 मेरे हिसाब से बहुत है। अब इस स्टोक का कलर भी हम ब्लैक करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। 4 करते हैं, 4 ज़्यादा हो गया, 2 बहुत है, और अब ये इसका स्टोक भी हम करते हैं ब्लैक, और इसका वेट कर लेते हैं हम 4, और इसका फिल कलर कर लेते हैं हम वही जो हमने अपनी आई कलर दिया है 3500। ओके, यहाँ से हम इसको बंद करते हैं। ओके ओके, ये हमने सब कर लिया ट्रेस। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि हम आज देखेंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। मैं इसको कहते हैं यहाँ पर ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल जी, वही पुराना ऑप्शन अपना, इन दोनों को मैं पकड़ता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ रिसाइज। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से एक पेन टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लिक कर देता हूँ, ये हमारी अब बन गई एक स्ट्रेट लाइन। इसका मैं स्ट्रोक कलर कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, और इसका वेट कर देता हूँ मैं 10, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी एक लाइन बनी हुई है, थोड़ा सा वेट कम करते हैं, इसको ज़्यादा हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बीच में मेरे एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाए और मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लूँ, तो इसका आसान सा तरीका, हम अपनी पेन टूल के अंदर ही जाएंगे और यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट क्लिक सेलेक्ट करेंगे, या अपने कीबोर्ड से हम सिर्फ अपना पेन टूल को कहीं भी लेके जाएंगे। मैं अगर यहाँ लेके आता हूँ इसको ऐड एंकर पॉइंट टूल, यहाँ पे देखें मेरे पेन टूल के साथ ही आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा प्लस का, ये हमारा प्लस का निशान मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आप अपना एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा एंकर पॉइंट ऐड हो गया। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, और एक और एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने जो 4 एंकर पॉइंट ऐड किए हैं, अब मैं चाह रहा हूँ इनमें से मैं ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको मैं माइनस कर दूँ या हटा दूँ या डिलीट कर दूँ। इन तीनों बातों का मकसद एक ही है। देखिए, मैं इस एंकर पॉइंट पर जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ, ये अभी भी प्लस का साइन दे रहा है। अगर मैं कीबोर्ड से Alt प्रेस कर दूं, तो ये हमारा माइनस का निशान शो करेगा। मैं इस माइनस के निशान पे जैसे क्लिक करता हूं, तो ये हमारा एंकर पॉइंट यहां से ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, एक कुछ इस तरीके से। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एंकर पॉइंट माइनस करता हूं, तो हमारी यहां से लाइन ख़त्म हो जाएगी, और जो हमारा एंकर पॉइंट यहां पे इन दोनों के आपस में जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था, सिर्फ वो रह जाएंगे। एक चीज़, अच्छा, अब मैं आपको जो एंकर पॉइंट टूल था ये मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ इसको। मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन टूल से
ए और ये इसको ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अच्छा अब मुझे अपनी एंकर पॉइंट यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं आपको पेन टूल से ये लेता हूँ, एक ये करता हूँ, एक ये करता हूँ और एक ये करता हूँ और एक मैं यहाँ से इस तरीके से पकड़ लेता हूँ। अच्छा अब अगर ये हमारी पाथ इस वक्त क्लोज है और हमारी एक शेप बनी हुई है और अगर मैं अब कीबोर्ड से यहाँ से ऑल्ट प्रेस करता हूँ और अगर मैं यहाँ इस एंकर पॉइंट पे जैसे कर्सर लेके आता हूँ, देखिए हमारा एंकर पॉइंट का जो आइकॉन है वो एक्टिव हो गया। इस वक्त हम अपना एंकर को कहीं भी किस तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे ये देखें मैं इसको जैसे मैं अपना कीबोर्ड से ऑल्ट पकड़ा हुआ है और ये हमारा हैंडल इस तरीके से एक्टिव होगा। यहाँ पर मुझे कर्व देना था तो ये इसने मुझे कर्व यहाँ पर दे दिया और मैं अपना हैंडल अगर वापस इस एंकर पॉइंट पे लाता हूँ तो ये वाला कर्व हमारा बंद हो गया और सिर्फ ये कर्व रह जाएगा। अच्छा एक चीज़ हमारा एंकर पॉइंट और काम करता है, देखें अब ये इस वक्त हमारी शेप बनी हुई है इस तरीके से यहाँ पे। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों एंकर पॉइंट के बीच में हमारा एक कर्व आ जाए और ये सब स्ट्रेट ऐसे बिल्कुल रहे, मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से मैंने इसको सिलेक्ट किया, पेन टूल ली और यहाँ पे लाके मैंने जैसे इन दोनों एंकर पॉइंट के बीच में अपना कंट्रोल प्रेस करता हूँ ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये हमें एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा आपको, देखिए कर्व टाइप का। अगर मैं इसको पकड़ के इस तरीके से ऊपर ड्रैग करता हूँ ये इस तरीके से पूरा हमें ये कर्व दे देगा इन दोनों एंकर पॉइंट के बीच में। अच्छा मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको एक पेन टूल के लिए गेम भी बताऊँगा, तो अब वो गेम बताने का टाइम आ गया क्योंकि हमने तकरीबन जितनी चीज़ें हमें सीखनी थी वो हम सीख चुके हैं। हमने आज रीड्राइंग भी करी, एक मतलब एक इमेज भी ट्रेस करी, पेन टूल को हमने काफ़ी डिटेल में देखा, एंकर पॉइंट देखा, ऐड एंकर पॉइंट टूल देखा और एंकर पॉइंट देखा। अच्छा अब जो गेम की बात थी वो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। देखें इस गेम का नाम है द बेजियर गेम। आप इस गेम को जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा आपकी पेन टूल की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। इसके यहाँ करना आपको जस्ट ये, इसका URL आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये देखें ये बता रहा है कि ये देखें आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है, एक इस पॉइंट पे क्लिक करना है और एक इस पॉइंट पे क्लिक करना है। ये इस तरीके से टास्क देता चले जाएगा आपको और आपके ये आपको टास्क पूरे करने हैं इसके अंदर। अच्छा देखें अब ये बता रहा है कि आपको इस शिफ्ट के साथ इस टास्क को पूरा करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक शिफ्ट ऐसे, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ। देखें ये टास्क हमारा कम्प्लीट हो गया। अब इसने हमें नेक्स्ट टास्क दे दिया राउंड का। अब अगर मैं इस राउंड पे यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए ये बता रहा है कि किस तरीके से आपको सब कुछ करना है। ये हैंडल इस तरीके से यहाँ ड्रैग करना है, फिर देखिए खुद ब खुद ही आ गया, फिर हैंडल इस तरीके से यहाँ ड्रैग करना है, फिर ये हैंडल आपको इस तरीके से यहाँ ड्रैग करना है, फिर एक ये हैंडल इस तरीके से आपको यहाँ ड्रैग करना है ऐसे और एक ये यहाँ पर ड्रैग करना है। देखिए ये टास्क इस तरीके से कम्प्लीट होगा। इस तरीके से आप ये जितने ज़्यादा टास्क कंप्लीट करते चले जाएंगे आपके टास्क से एक तो आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी पेन टूल की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ओके गाइज आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जिसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।